हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज अपन सीखेंगे दशमलव वाली घटाव। पहले अपन ने दशमलव वाले गुणा, भाग, जोड़ सब किए थे, आज दशमलव वाली घटाव करें। तो दशमलव वाली घटाव कैसे करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दशमलव क्या चीज़ें होती है? दशमलव ये जो बिंदु दिख रहे हैं इन्हें हमें दशमलव बोलते हैं। तो इस घटाव को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन इस वाली संख्या को, इस जोड़े को यहाँ पर लिख लेते हैं, 2.032 अपन ने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद क्या करना, अपन को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना और पॉइंट के जो लेफ्ट में संख्या लिख रखी है उसको लेफ्ट में लिख देते, और जो राइट में संख्या लिखी है उसको राइट में लिख लेते, पॉइंट के राइट में लिख लेते। तो इस तरह से अपन ने इसको जमा लिया है। उसके बाद यहाँ पर अपन को माइनस का निशान लगा लेना है घटाव का। उसके बाद अपन को क्या करना है, दो में से जीरो घटाना है। दो में से जीरो घटाएंगे तो दो ही बचेगा, जीरो का कोई मान नहीं होता है। फिर यहाँ पर अपन को क्या करना है, तीन में से दो को घटाना है। तो तीन में से दो को घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो अपन यहाँ पर एक लिख लेते हैं। उसके बाद जीरो में से पाँच घटाना, जीरो में से पाँच घटता नहीं है, यहाँ पर जीरो छोटी संख्या है और पाँच घटते नहीं है जीरो में से। तो यहाँ पर से क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, यहाँ से इधर हासिल ले लेंगे, तो दस बन जाएगा। कितना बन जाएगा, टेन बन जाएगा। फिर दस में से पाँच घटाएंगे तो कितना बचेगा, फाइव बचेगा, पाँच बचेगा। तो यहाँ पर अपन को पाँच लिख लेना। उसके बाद अपन को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना, अपन ने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, एक उधर ले लिया हासिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, वन बचेगा। तो वन में से क्या करना, वन को माइनस करना। तो वन में से वन को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जीरो, जीरो बचेगा। तो अपना ये हल हो गया, अपना ये आंसर आ गया। तो इसी तरह हमें दशमलव वाला घटाव करना होता है। एक छोटा सा सवाल और करके देखते हैं। आपके सामने एक सवाल दे रखा है, 32 में से घटाना है 3.6 को। तो इसको कैसे घटाते हैं, 3.6 को कैसे घटाते 32 के अंदर से। तो अपन यहाँ पर 32 इस तरह लिख लिया। उसके बाद क्या करना है अपन को, मतलब यहाँ पर पॉइंट कुछ भी नहीं है इसमें, तो पॉइंट हमेशा संख्या के पीछे होता है। यहाँ पर अपन पॉइंट नहीं लगाते, मतलब लगाना हो तो लगा सकते पर लेकिन यहाँ नहीं लगाते। अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना, और ये 3 है जो यहाँ लिख लेना, और ये यहाँ लिख लेना। इसमें से इसको घटाना है अपन को, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जीरो मान सकते हैं। यहाँ से अपन को इधर हासिल लेना है, यहाँ पर कितना बन जाएगा, दस बन जाएगा, क्योंकि जीरो में से छः घटते नहीं है। तो अपन ने यहाँ पर 10 बना लिया इसको, तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है 32 से, तो यहाँ पर पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ इस संख्या के बाद में पॉइंट लगता है। तो अपन ने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया है, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट लगा लेना। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर फिर एक बच गया, एक इधर ले लिया तो यहाँ पर वन बच गया। तो फिर वन में से 3 जाएगा नहीं, तो इधर से अपन हासिल ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। कितना, 11 बन जाएगा। 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8, 9, 10, 11, 8 बच जाएगा। तो यहाँ 8 लिख लेते हैं अपन। फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि एक इधर ले लिया, आगे वाली संख्या पर एक ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर 2 का 2 एजिटिक ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो 32 में से अपन को 3.6 को घटाए तो कितना आए, 28.4 अपना आंसर आ गया। ये अपन को क्या करना, घटाओ, जोड़, गुणा, ये हमेशा पीछे की तरफ से शुरू करना पड़ता है। तो ये अपन ने इधर से शुरू किया राइट हैंड की तरफ से, तो इस तरह से इनको घटाया तो ये अपना आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं दशमलव वाली घटाओ। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए बाय बाय।